आप सभी राम भक्तों का मैं सुजीत गिरी इस सोशल मीडिया पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुछ भी कहने से पहले मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने हृदय के गहराइयों से और समस्त राम भक्तों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। आज हिंदू भावनाओं का, हिंदू आस्था का और भारतीय संस्कृति का मोदी जी और योगी जी ने मान सम्मान रख लिया है। इसके लिए भारतवर्ष और राम भक्त सदैव इन दोनों महापुरुषों को याद रखेंगे। मैं यहां पर आप सभी को गीता का प्रमुख श्लोक याद दिलाना चाहता हूं। गीता के अध्याय 4 से श्लोक नंबर 7 और 8, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दृष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूं, साधु संतों और भक्तों और सज्जनों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। इस कलयुग में मुझे लगता है मोदी जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं और योगी जी अर्जुन का, क्योंकि दोनों मोदी जी योगी जी इस कलयुग को त्रेता युग बनाने जा रहे हैं, प्रभु श्री राम का युग बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। कर्तव्य का बोध जगाने हेतु, धर्म को बचाने हेतु, राष्ट्र भावना जगाने हेतु, सनातन धर्म सभ्यता संस्कृति का विश्व में डंका बजाने हेतु, संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने हेतु, देश के कोने कोने जरे जरे में सबका साथ सबका विकास करने हेतु, राष्ट्र का विश्व गुरु बनाने हेतु मोदी जी और योगी जी पूरी लगन से लगे हुए हैं। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि दोनों ईश्वरीय अवतार हैं। मैं आप सभी को राम जन्मभूमि पूजन और भव्य मंदिर शिलान्यास का हार्दिक बधाई देता हूं। आने वाला 5 अगस्त 2020 अत्यंत ही शुभ है, जो चिर स्मरणीय है। यह ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। राम भक्त और भारत भूमि उस ऐतिहासिक दिन को युगो युगो तक याद रखेंगे। आज सनातन धर्म की तीनों लोकों में और समस्त जगत में जय जयकार हो रहा है। इस पल का इंतजार देवी देवता, सूर्य चंद्रमा, पेड़ पौधे, समस्त ब्रह्मांड और देश दुनिया में फैले करोड़ों राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि प्रभु श्री राम सभी के हृदय में बसते हैं और भगवान राम देश के कण कण में विराजमान हैं। मैं साथ ही साथ उन हजारों शहीद साधु संत महात्माओं और राम भक्तों को नमन करता हूं, जो अपने धर्म के लिए, प्रभु श्री राम के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। उनका बलिदान आज सार्थक हो रहा है। मैं जय श्री राम का मतलब बता रहा हूं। जय श्री राम एक विजय मंत्र है। जय श्री राम एक उद्घोषणा है। बुराई पर जीत हो, असामाजिक तत्वों का नाश हो, उस विजय मंत्र को जय श्री राम कहते हैं। अधर्मी, आतंकी, दुष्ट, पापी, दैत, राक्षस, अतिक्रमणकारियों का संहार हो, उस विजय मंत्र को जय श्री राम कहते हैं। अत्याचारियों के अत्याचार से समाज मुक्त हो, उस विजय मंत्र को जय श्री राम कहते हैं। प्रभु का नाम लेने से दुश्मनों का रूह कांप जाए, उस विजय मंत्र को जय श्री राम कहते हैं। समाज में लोगों को धर्म कर्म और वेदों का ज्ञान हो जाए, एक साथ मिलकर चलना और विकास करना आ जाए, उस मंत्र को जय श्री राम कहते हैं। भारत में सदैव एकता और अखंडता बना रहे, उस विजय मंत्र को जय श्री राम कहते हैं। हमेशा देश का गौरव, मान सम्मान राष्ट्र सर्वोपरि हो, उस विजय मंत्र को जय श्री राम कहते हैं। देश के कोने कोने में चौतरफा विकास हो, उस विजय मंत्र को जय श्री राम कहते हैं।
सभी हिंदुओं का आर्थिक और मानसिक स्थिति मजबूत हो, उस विजय मंत्र को जय श्री राम कहते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर हमारी जीत हो, उस विजय मंत्र को जय श्री राम कहते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय श्री राम।